ये रिश्ता क्या कहलाता है। अशोक जी पहुंच गए होंगे और मैं अभी भी रास्ते में ही हूँ। शुभम के उठने के चक्कर में इतना लेट हो गया और वो फिर भी नहीं उठा। अब से रोज एक दो घंटे अकेडमी के मैनेजमेंट को भी देने होंगे, तभी चीजें संभलेंगी। जी मैम। नायरा, शुभम का कमरा अंदर से बंद है, कब से लॉक किया जा रहा है, खोल ही नहीं रहा है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। प्लीज जल्दी आना। हमारी मशीन पुरानी हो गई पापा, कोई यूज नहीं है अब इनका, सब कुछ बदलना पड़ेगा। ये इनमें से कोई ठीक लग रहा है आपको? सही कह रहे हो कार्तिक, सब कुछ खराब हो गया है, सब कुछ बदलना पड़ेगा। काश रिश्ते भी मशीनरी की तरह होते हैं, जब जो पुर्जा खराब हो जाता या तो ऑयलिंग कर देते या बदल देते और सब सेट। जानता हूं आपके मन में क्या चल रहा है, शुभम कुछ दिनों से बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है ना। कार्तिक उसे वियर्ड नहीं, उद्दंड कहते हैं, ना किसी की सुनता है ना किसी को कुछ समझता है। डोंट वरी पापा, नायरा से कहा है ना आपने, वो संभाल लेगी उसे, अच्छे अच्छों को लाइन पे ला चुकी है। ही वोंट बी सो डिफिकल्ट फॉर आई होप सो। नहीं भाभी, मेरी बात सुनो भाभी, भाभी प्लीज मेरी बात सुनो भाभी, प्लीज एक मौका दो भाभी। क्या सुनूं और क्यों सुनूं, क्या बाकी रह गया सुनने को, मजाक बना दिया अपनी लाइफ का। पहले उस सुहाना के चक्कर में घर से कूद के मरना चाहते थे तुम, और अब ये जहर खा के मरना चाहते हो। तुम्हारी लाइफ की कोई वैल्यू है तुम्हारे लिए या नहीं, पता भी ये क्या असर करती है चीजें सेहत पे? शौक में या सदमे में, तो समय पे लोग ये चीजें लेते हैं, और जब छोड़ना चाहते है ना तब छूटती नहीं है। क्यों कर रहे हो तुम अपने साथ ऐसा शुभ, अभी उम्र ही क्या है तुम्हें, पूरी लाइफ बड़ी है तुम्हारे सामने शुभ, क्यों संभलने की बजाय बैठ के जा रहे हो तुम। उस लड़की के लिए खुद को और अपनी फैमिली को सजा दे रहे हो जो एक धोखेबाज थी। सुहाना का मकसद हमें लूट के जाना था ना, वो भी वो कामयाब, उसके चक्कर में उसके गम में तुमने खुद को डुबा दिया है। पैसे रही तो ऐसे, नुकसान तो हमारा ही है ना। मैं शायद जरा भी अंदाजा नहीं है शुभम कि तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो वहां सिर्फ तबाही ही तबाही है, और अगर अभी भी तुमने ये सब नहीं छोड़ा ना तो ये जिंदगी बर्बाद कर देंगे तुम्हारी, कहीं का नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। पापा ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी, पर मैं मना कर दूंगी कि जो इंसान खुद अपनी जान लेना चाहता हो उसे कोई कैसे बचा सकता है। मैं अभी जा रही हूँ, सब बता रही हूँ उन्हें जाके, फिर वो और कार्तिक देखेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना। नहीं भाभी, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे भाभी, प्लीज मुझे वादा कीजिए भाभी।
भाभी अब कुछ नहीं बताएंगे, बता जाऊंगा भाभी, मैं बता जाऊंगा, प्लीज भाभी, प्लीज भाभी, मैं बता जाऊंगा भाभी, मैं ये सब भाभी, मेरा साथ दो भाभी प्लीज, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा था, मैं बहक गया था, आपने मुझे बताया, मुझे समझ आ गया, मैं अपनी गलती मान चुका हूँ भाभी, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता भाभी, मैं जीना चाहता हूँ भाभी, प्लीज मैं मरना नहीं चाहता, बचा लीजिए भाभी, प्लीज प्लीज एक मौका दे दीजिए भाभी, एक नहीं मरना चाहता भाभी, प्लीज मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज मुझे नहीं मरना है, मरना नहीं चाहता भाभी, प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये देख मैं इसे कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा भाभी, मैं उसे फोन करूंगा और कभी वापिस मंगवाऊंगा, प्लीज भाभी प्लीज बचा लो मुझे, मैं पूरा बदल जाऊंगा, आप मेरा विश्वास कीजिए भाभी, एक मौका दीजिए भाभी, प्लीज प्लीज भाभी मुझे, उसकी कसम खाएंगे, मैं उसकी कसम खा के कह सकता हूँ मैं ये सब छोड़ दूंगा भाभी, प्लीज मेरा साथ दीजिए भाभी, प्लीज एक बार, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हम सब तुम्हारे साथ, नहीं भाभी सब नहीं, बस आप, ये बात सिर्फ आपको पता है और आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप ये किसी और को नहीं बताएंगे, प्लीज भाभी, नहीं शुभम मैं ऐसा नहीं कर सकता, हम सब मिलके तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, नहीं भाभी आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, मैं खुद जाऊंगा सारा सच बताऊंगा और माफी भी मांगूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ भाभी, मैं खुद बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा भाभी, प्लीज आप नहीं बताएंगी भाभी, तुम खुद जाके बताओगे तुम लोग और अच्छे से समझ भी पाएंगे, सबको बता देते हो ठीक है, नहीं भाभी आज नहीं, आज नहीं भाभी, आज सब बड़े भैया के बर्थडे की तैयारी में लगे, मैं नहीं चाहता कि उनका मूड खराब हो, बर्थडे के बाद मैं खुद सब कुछ बताऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ भाभी, मेरा विश्वास करो, एक मौका दो मैं खुद बताऊंगा सारा सच बताऊंगा भाभी, प्लीज ठीक है, अब तो मुझे कार्तिक के बर्थडे का और भी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि कल तुम हमेशा के लिए फैमिली के पास आ जाओगे, रिश्ता क्या कहे।